सो है गाइस व्हाट्सअप, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दुनिया का दूसरा और भारत का पहला सबसे महंगा घर दिखाने वाला हूं। जी हां, आप लोगों को मालूम ही होगा मुकेश अंबानी जी का घर, जो कि जिसका नाम है एंटीलिया और जो कि भारत का सबसे महंगा घर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मुकेश अंबानी जी का घर एंटीलिया दिखाने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उस घर का प्राइस क्या है, कितने नौकर काम करते हैं और उनकी सैलरी कितनी है और उस घर की कीमत क्या है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हम आपको सही एड्रेस भी बताएंगे कि कहां पर उनका घर है, ताकि आप आसानी से आ सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना किसी स्किप किए हुए। तो लेट्स द स्टार्ट। तो दोस्तों, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो भारत का सबसे महंगा घर और विश्व का दूसरा सबसे महंगा घर एंटीलिया हाउस, जी हाँ, जो कि मिस्टर मुकेश अंबानी जी का घर है। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि एंटीलिया हाउस दिखाएं, तो आज फाइनली आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हैं, यही है एंटीलिया हाउस, जिसका प्राइस दोस्तों 11,000 करोड़ है, जी हाँ, और जो कि 40,000 वर्ग स्क्वायर फीट में बना हुआ है। 27 मंजिल का बिल्डिंग है और जो कि अल्टमाउंट रोड पे स्थित है। दोस्तों, आप देख सकते हो काफ़ी ही हाई सिक्योरिटी है वैसे। और दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि जो रिलायंस की कंपनी है यानी जियो की, उनके अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी हैं यानी मेन। तो दोस्तों, देख सकते हो आप हमारे पीछे। सो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं सामने, यही है एंटीलिया बिल्डिंग, मिस्टर मुकेश अंबानी जी का घर, जिसकी कीमत दोस्तों मैंने आपको बताई है 11,000 करोड़। और दोस्तों, यहाँ की सिक्योरिटी इतनी है कि मानो कि बॉर्डर, जैसे कि बॉर्डर पे होती सिक्योरिटी, यहाँ पर मिलिट्री और पुलिस के कर्मचारी दोस्तों, बड़े से बड़े अधिकारी दोस्तों, SO 3 स्टार जैसे यहाँ पे कर्मचारी लोग जो कि यहाँ पे पहरेदारी पे लगे हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों, देख सकते हो ये सामने का कुछ प्रकार से यहाँ से सीन है और वीडियो बनाना दोस्तों मना है, मगर कोशिश करके मैंने यहाँ से वीडियो बनाया है। और दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह विश्व का दूसरा और भारत का सबसे महंगा घर है दोस्तों। दोस्तों, इतनी जानकारी पाने के बाद अब थोड़ी सी जानकारी मुकेश अंबानी के बारे में बताते चलूं। तो इनका जन्म दोस्तों 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जो रिलायंस कंपनी है दोस्तों, आपको मालूम है कि इनके ओनर यही हैं और उसका जितनी भी इनकम होती है वो 87.56% वो मुकेश अंबानी जी को ही मिलती है दोस्तों, देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर हम बात करते चले थोड़ा बहुत और जानकारी की, तो कहा जाता है दोस्तों कि इनके घर में 168 कारों के लिए केवल 7 मंजिला गैराज है। जी हाँ, इसके साथ स्विमिंग पूल, बाल रूम, 3 हेलीपैड, मंदिर, गार्डन, 2 मंजिला हेल्थ सेंटर और 50 लोगों के लिए होम थिएटर है दोस्तों। और कहा जाता है दोस्तों कि इनके घर में 600 कर्मचारी काम करते हैं, जिनके साथ मुकेश अंबानी जी एक प्रकार से देखा जाए तो सहभागी के रूप में बर्ताव करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, उन कर्मचारियों की सैलरी इतनी है कि जो कि देखा जाए दोस्तों तो गवर्नमेंट जॉब की भी नहीं होगी दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हो यही घर है एंटीलिया।
प्यारे दोस्तों, आपने देखा हमारे पीछे एंटीलिया हाउस, भारत का सबसे महंगा घर। तो आई होप दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपने मिस्टर मुकेश अंबानी जी के एंटीलिया हाउस के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। और दोस्तों एक बात है कि वीडियो बनाना तो मना ही है क्योंकि इतनी सिक्योरिटी हाई है और वीडियो बनाने नहीं देते हैं, बट यह दूर दूर से वीडियो बना सकते हो। तो गाइज, आपने देखा हमारे पीछे मिस्टर मुकेश अंबानी जी का घर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो करें यार ज़रूर, क्योंकि रिस्क लेके बनाना पड़ा वीडियो। और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा वीडियो और नेक्स्ट वीडियो किस एक्ट्रेस का घर दिखाऊं, और उसके बाद लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको यार किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज़ सपोर्ट करो यार भाई, क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और फ़ोन भी जो है कम सही है क्योंकि क्वालिटी कम है और सेकेंड हैंड फ़ोन है, आपको मालूम ही है। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।